नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करते हैं जो 30 नवंबर आज एग्ज़ाम हुआ है, वो एग्ज़ाम क्या था, क्या इसकी खास बात थी, इस दौरान कहां पे क्या हुआ, कुछ इंसिडेंट्स रिपोर्ट्स में आए हैं उसके बारे में भी थोड़ी डिस्कस करेंगे। और आपकी जो कल एग्ज़ाम होना है, 1 दिसंबर को एग्ज़ाम होना है, उस पर क्या अप्रोच हो सकती है। अगर 30th एग्ज़ाम की कुछ मैं हाईलाइट देखूं, तो जो मैथ का पेपर था पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो पेपर फर्स्ट जिसको बोलते हैं, पहला पेपर, और इंग्लिश का होता है सेकंड पेपर जिसको बोला जाता है। ये पेपर ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन आप बोल सकते हैं ईजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। फॉलोइंग और इसका जो पैटर्न था, वो जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं वो बिल्कुल हूबहू सेम पेपर, सेम पैटर्न था और सेम लेवल के क्वेश्चन थे। अगर हम टोटल एवरेज ले लेते हैं, 20-25% क्वेश्चन है, क्योंकि पिनेकल प्रीवियस क्वेश्चन को बहुत टारगेट करती है, चाहे वो टायर वन हो, टायर टू हो, और बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर से इस आज के एग्जाम में रिपीट हुए थे। और यही कारण है कि 20-25% क्वेश्चन है पिनेकल की जो टेस्ट सीरीज जिन्होंने की होगी, वो डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से थे। एडवांस मैथमेटिक्स के 46 क्वेश्चन थे, और हम भी जो हमारी टेस्ट सीरीज बनाते थे उसमें 45-46 क्वेश्चन है वो एडवांस मैथमेटिक्स के रखते थे। फ्यू क्वेश्चन, इसमें कुछ क्वेश्चन लेंथी जरूर थे, लेंथी कुछ अर्थमेटिक से भी थे, और कुछ आमतौर पे ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें डायग्राम बनाना होता है और एग्जाम में थोड़ा प्रेशर होता है, तो स्टूडेंट को आमतौर पे एग्जाम में पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है जब वो मॉक टेस्ट करते हैं उसकी तुलना में। लेकिन जिन्होंने ज़्यादा मॉक टेस्ट किए हैं, 40 से ज़्यादा जिन्होंने मॉक टेस्ट किया है, उनके लिए ये एग्ज़ाम वो बोलेंगे कि ये पेपर आसान था। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो 185 जो स्कोर कर रहा है, 180-85, वो काफ़ी ज़्यादा एक कंफर्टेबल सिचुएशन में चला जाएगा इस एग्ज़ाम से। और जो 190 प्लस कर रहा है, उसके चांसेस, हालांकि बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, मैथ इंग्लिश का कैसे पेपर किया है उसने, टायर थ्री में कैसा परफॉर्मेंस होगी, टायर वन में कैसी थी परफॉर्मेंस, लेकिन ये काफ़ी अच्छा स्कोर होगा। 190 प्लस जिन्होंने किया, बहुत अच्छा स्कोर, 185 रिक्वायरमेंट है। 180 प्लस अगर वो कर रहा है तो वो रेस में है, जैसे 180 से नीचे जाएगा उसकी संभावनाएं थोड़ी कम होती जाएगी। टॉपिक वाइज अगर हम बात करें तो 46 जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन उस रेंज में होंगे जिसको एडवांस मैथमेटिक्स बोला जाता है, उसमें ज्योमेट्री और मेंसुरेशन आमतौर पर 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 क्वेश्चन ही आए हैं। ज्योमेट्री के लगभग 15 क्वेश्चन, क्योंकि कुछ क्वेश्चन को आप ज्योमेट्री मान सकते हैं, कुछ को मेंसुरेशन में मान सकते हैं, तो ज्योमेट्री में 15 है, तो मेंसुरेशन में लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन। डाटा एनोटेशन, बार चार्ट, बार ग्राफ, 5 क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, ये भी काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। रेशियो मिक्सर एलिगेशन से 7-8 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम में आप HCM, LCM को इंक्लूड कर सकते हैं, जो टिपिकल यूनिटरी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन होते हैं उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं, 9-10 क्वेश्चन इसमें थे। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से रिलेटेड 7-8 क्वेश्चन, टाइम वर्क से 5-6 क्वेश्चन, टाइम डिस्टेंस से भी 5 क्वेश्चन, एवरेज से 5 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से 3 क्वेश्चन, परसेंटेज से 4 क्वेश्चन, और सिंप्लीफिकेशन वगैरह से लगभग 2 क्वेश्चन। तो आप बोल सकते हैं कि लगभग वही पैटर्न जो कि पीछे SSC ने फॉलो किया है, उसमें कोई ज़्यादा 1% भी चेंज नहीं है आप बोल सकते हैं। और इसमें आपकी जो स्ट्रेटजी, जिन्होंने ज़्यादा टेस्ट किए होंगे मॉक टेस्ट, उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ होगा, जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए होंगे उनको ऑब्वियसली हमेशा फायदा होता है, तो इस बार भी फायदा हुआ होगा। अब आता है इंग्लिश के बारे में बात करें, इंग्लिश का पेपर कंपेरेटिवली, क्योंकि आमतौर पे जब एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं ज़्यादा, अगर किसी ने मॉक टेस्ट नहीं किए हैं तो कई बार ये क्वेश्चन पेपर है लेंथी हो जाता है और कॉमन एरर है या इस तरह के हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो उसकी वजह से
जो फीडबैक आमतौर पर स्टूडेंट का होता है इस तरह क्वेश्चन पेपर में, वो मॉडरेट टू डिफिकल्टी। आप बोल सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक दो बार बहुत आसान आए थे, अगर उसकी तुलना में करें, उसकी तुलना करें तो ये क्वेश्चन पेपर है थोड़ा डिफिकल्ट आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एसएससी के, तो लगभग लगभग वही पैटर्न पे ये क्वेश्चन पेपर था, और यही जो पैटर्न था और सिलेबस था बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो थे उसको फॉलो किया गया। और यही कारण है कि हम भी वही फॉलो करते हैं, और एसएससी जो पिनेकल टेस्ट सीरीज है उनसे काफ़ी क्वेश्चन वो डायरेक्ट भी थे। तो जिन्होंने हमारी टेस्ट सीरीज की है 40 से ज़्यादा, 80 टेस्ट सीरीज में से 40 से ज़्यादा जिन्होंने टेस्ट कर लिए होंगे, उनके लिए मैथ और इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो रही होगी। लेकिन इसमें 160 से आपका स्कोर है वो क्रॉस होना चाहिए। 160 to 170 जिन्होंने स्कोर को क्रॉस किया है या उस रेंज में है, वो उन्होंने एक रिक्वायरमेंट होती है किसी एग्जाम को एक कंफर्टेबल सिचुएशन में जाने के लिए, वो पूरी की है। लेकिन सिर्फ इंग्लिश अच्छे करने से कुछ नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें आपकी अच्छी होनी चाहिए। टायर जो सेकंड पेपर है मैथ का वो भी अच्छा होना चाहिए, टायर वन भी अच्छा 160 के आसपास आपका स्कोर होना चाहिए, 150 to 160 की रेंज में होना चाहिए। और फिर टायर थ्री होगा, अगर टायर टू क्वालिफाई होता है टायर थ्री होगा, वहाँ पे भी 70-80 के आसपास स्कोर होना चाहिए। क्योंकि आज मैं टायर थ्री पे प्रेजेंटेशन बना रहा था टायर थ्री पे, तो मुझे लगता है कि टायर थ्री अब बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। क्योंकि जिन बच्चों की अच्छी तैयारी है, पिछले एक दो साल से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा टायर वन टायर टू में परफॉर्मेंस दिया है, उनमें शायद इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन टायर थ्री में अगर 10-15 नंबर का भी डिफरेंस हो गया है, हो जाता है, तो 10-15 नंबर बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है इस कंपटीशन में। ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी है 5,700 के आसपास या 5,500 के आसपास, 6,000 के आसपास, हो सकता है वैकेंसी कुछ बढ़े। लेकिन कॉम्पिटिशन का लेवल है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और ये कंपटीशन का लेवल है पूरे ऑल इंडिया से अब होना स्टार्ट हो गया है, सिर्फ नॉर्थ में या हरियाणा दिल्ली यूपी यहाँ पे सीमित नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर मेरिट की बात करें तो कट ऑफ की पहले देख लेते हैं इंग्लिश का क्या रुझान चल रहा है। 25 क्वेश्चन 4 पैसेज, और जो हम पावर ऑफ 5 की बात करते हैं जिसमें क्लोज टेस्ट है, नरेशन, एक्टिव पैसिव, पैरा जम्बल, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये जो हमारे पावर ऑफ 5 जिसकी बात कर रहे हैं, 135 to 140 के आसपास क्वेश्चन होते हैं, वो सेम पैटर्न इसको फॉलो किया गया। तो जिसने ये स्ट्रॉन्ग किया होगा, जिन्होंने ये स्ट्रॉन्ग किया, हम पिनेकल ने भी इस पर काफ़ी फोकस किया था, अलग से भी इस पर एक वीडियो बने थे, अलग से टेस्ट भी बने थे, जो 40 फुल एंड टेस्ट होते हैं, इसके अलावा स्पेशल टेस्ट टेस्ट पोर्टल में और पीडीएफ में भी ये डाले गए, जिससे स्टूडेंट इन पे ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि नरेशन में अगर ये आरसी देखें, एक क्वेश्चन एक आरसी थोड़ा मुश्किल था, आमतौर पे कुछ एक कन्फ्यूजन हो सकती है, ट्रिकी क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन आरसी में इतना ज़्यादा फर्क नहीं जितना कि ये डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तो आप बोल सकते हैं कि जो नरेशन 25 लगभग क्लोज से टेस्ट से 20 क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव से 20, पैरा जंबल से 20, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 22 क्वेश्चन, सेंटेंस कंप्लीशन से 20, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 10 क्वेश्चन, ईडीएफ रीजन से 12 क्वेश्चन, स्पेलिंग से 3 क्वेश्चन, ईडीएफ से 6 क्वेश्चन, इस रेंज में जो कि आमतौर पर एसएससी का पेपर होता है वही फॉलो किया गया। कोई मेजर 1% भी डिफरेंस इसमें नहीं है। थोड़ा बहुत जो कॉमन एरर है वहाँ पे आमतौर पे स्टूडेंट ज़्यादा डिफिकल्टी महसूस करते हैं, इस बार भी वही हुआ, स्टूडेंट इसमें डिफिकल्टी महसूस की है, लेकिन 160 के आसपास स्कोर आपका ज़रूर होना चाहिए। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ पिक्चर, तो जिन स्टूडेंट्स के अगर ओपन कैटेगरी में 300-340 स्कोर कर रहा है इस दोनों पेपर में, वो एक कंफर्टेबल सिचुएशन में, प्रोवाइडेड कि उसके 160 के आसपास टायर वन में होनी चाहिए, 150 to 160, वो एक अच्छी रेंज में जाएगा। आप बोल सकते हैं कि लगभग 40 नंबर का पिछले साल का जो कट ऑफ था टायर टू का, जनरल कैटेगरी की बात करूं, उससे उसका लेवल नज़र ज़्यादा आना चाहिए अगर पहले दिन का है। कल भी हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही लेवल का क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर होगा, और स्टूडेंट को 30, 40 या जो अच्छे स्टूडेंट हैं 350 करके अपनी बढ़त को बढ़ा सकते हैं। 300 जैसे 20 से नीचे जाना स्टार्ट करता है कोई स्टूडेंट, तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है, उसको टायर थ्री में अगर वो क्वालिफाई होता है तो ध्यान रखना पड़ेगा। अब कुछ एक अफवाहें चल रही है, सच्चाई भी है कुछ, लेकिन स्टूडेंट का ध्यान
उन चीज़ों पे नहीं होना चाहिए, नेगेटिव एनर्जी पे नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया से इमीडिएटली अगर जिनका कल एग्जाम है उनको कट ऑफ हो जाना चाहिए, वो फेसबुक है या बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दें, क्योंकि कुछ एक साइट्स होते हैं जिनका नेगेटिविटी फैलाना ही काम है, सनसनी फैलाना काम है, और कुछ एक कोचिंग सेंटर भी ऐसे होते हैं जिनकी जिनकी रोजी रोटी है वो अफवाहों से, चीटिंग से, उनमें इन्वॉल्वमेंट से, उनको हाईलाइट करने से, नेगेटिव न्यूज़ को हाईलाइट करने से चलती है। उनसे आपको थोड़ा दूर रहने की ज़रूरत है। अभी जब ये प्रेजेंटेशन बन रही थी तो हमने देखा ये एसएससी पे एक मैसेज लोड हुआ है, एसएससी की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, चेयरमैन के बिहाफ पे उनका क्या बोलना है इस पेपर पे। तो ये लाइनें तो किसी दूसरे एग्जाम से रिलेटेड है, मैं यहाँ से स्टार्ट बता देता हूँ आपको कि उन्होंने क्या बोला है। द कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2016 टायर टू इज बींग कंडक्टेड बाई द एग्जाम कमीशन इन टू सेशन पर डे बिटवीन 30th November 13th to 2nd November 2016 एट 356 वेन्यू और 57 सेंटर्स बनाए गए हैं। तो जो पहले दिन का रुझान रहा वो क्या बोलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट कि 30th नवंबर को ये फर्स्ट सेशन का एग्जाम हुआ, उसमें लगभग 74,000 प्लस कैंडिडेट, मतलब 75,000 कैंडिडेट ने इसमें पेर हुए, 351 वेन्यूज थे और 57 सेंटर्स थे। आप बोल सकते हैं एक सेंटर में लगभग 1,500 के आसपास कैंडिडेट हम एक्सपेक्ट करते हैं, 57 सिटीज जिसको बोला गया, तो एक सिटी में लगभग 1,500 के आसपास एवरेज, ऑन एन एवरेज। एग्जामिनेशन हैज बीन कंडक्टेड सक्सेसफुली विदाउट एन अनटॉवर्ड इंसिडेंट ऑफ अराउंड 337, लगभग 14 का फर्क है, ये 14 डिफरेंस, तो 14 सेंटर्स पे, और इससे जो इम्पैक्ट स्टूडेंट है वो लगभग 3000 के आसपास है, हम लोग देख सकते हैं इसमें गैप है 3000 का। वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि जब इतने बड़ा लेवल का एग्जाम हो रहा है और इतना रेपुटेशन का एग्जाम है, तो जो कल्प्रीट होते हैं, जो हमेशा गुंजाइश ढूंढते हैं लूपहोल निकालने की, और कुछ एक लापरवाही जहां पे सेंटर इंचार्ज होते हैं वहां पे लापरवाही होती है, क्योंकि वहां पे भी एसएससी हर चीज को कंट्रोल करे ऐसा कोशिश हो सकती है लेकिन पॉसिबल नहीं हो सकता, तो वहां पे कुछ गड़बड़ी हो सकती है। कई जगह पे ये रिपोर्ट आई है कि उनका एग्जाम टाइम पे नहीं हुआ, जैसे कि टायर वन में रिपोर्ट थी उनका सेंटर है वो कोई कैंसिल हुआ, या सर्वर नहीं चला, या वहाँ पे जो मैनेजमेंट था वो इतना दुरुस्त दुरुस्त नहीं था, मैनेजमेंट में कुछ खामियां थी। ये सारी रिपोर्ट 14 सेंटर पे आई है एसएससी के ऑफिशियल साइट के मुताबिक, हो सकता है एक दो पे और बाद में भी आए, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये एग्जाम काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। जब ये ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन होता था तो जबरदस्त धांधली की संभावना होती थी, रिपोर्ट आती थी कई जगह पे कैंसिल या पूरा एग्जाम कैंसिल करना पड़ता था। लेकिन मुझे ये लगता है कि उसकी तुलना में अगर हम ऑनलाइन ऑफलाइन की तुलना में कंपेयर करें तो एसएससी ने काफ़ी हद तक इस एग्जाम को सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया है। जो कुछ एक जगह पर गड़बड़ हुई है वहाँ पर हो सकता है ये एग्जाम दोबारा हो, और होने की संभावना ऑब्वियसली होगी, और बहुत जल्दी भी ये एग्जाम दोबारा होगा। स्टूडेंट को तकलीफ होती है इस तरह के जब एग्जाम दोबारा होते हैं, लेकिन अगर दोबारा एग्जाम होता है और फेयर ट्रायल होता है तो जो तकलीफ है वो एडजस्ट की जा सकती है, कंज्यूम की जा सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि कंपैरेटिवली हाउवर सम प्रॉब्लम रिपोर्टेड एट 14 वेन्यूज विच आर बीइंग एग्जामिन्ड बाय द कमीशन फर्दर डिटेल विल फॉलो। तो ये एसएससी का मानना है, और मोटे तौर पे हम बोल सकते हैं कि कुछ सेंटर पे एग्जाम दोबारा जरूर होगा, लेकिन हम लार्जर पिक्चर अगर देखें जो ऑनलाइन एग्जाम था ऑफलाइन एग्जाम था उसमें ऑनलाइन एग्जाम से स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है, और फेयर प्रैक्टिस है इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो एकदम मेरिट बहुत ज़्यादा चल रही थी अननेसेसरी उसके ऊपर भी थोड़ी रोक लगेगी, और जो लोग नेगेटिव न्यूज़ फैला रहे हैं या लोग देखने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि आमतौर पे पॉजिटिव न्यूज़ फैलाना बहुत मुश्किल होता है और नेगेटिव न्यूज़ को फैलाना आग की तरह फैलती है। तो कुछ एक जगह एक वायरल वीडियो हो रहा है जब दिल्ली में किसी एग्ज़ाम पे कोई मैनेजमेंट है वहाँ पे अच्छा नहीं होगा, उस तरह की वीडियो आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते, मतलब कि हर जगह पर ऐसा हो रहा होगा, ऐसा नहीं होगा, एक दो जगह इस तरह से हुई होगी वहाँ पर दोबारा एग्ज़ाम हो सकता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं बोल सकते, एक आप बोल सकते हैं बैड न्यूज़ है
लेकिन इसको एक जनरल न्यूज के रूप में नहीं मान सकते। तो इसलिए जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम कल है वो इस तरह की न्यूज से बचें, सोशल मीडिया की तरफ ध्यान न दें, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखें और आपका एग्जाम कल बहुत अच्छा होगा, ये अपने आप से भी उम्मीद करें, मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ आपसे, पिनेकल की पूरी टीम आपसे उम्मीद कर रही है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है और आपके साथ कोई भी इस तरह की इंसिडेंट नहीं होगी, आपका सर्वर ठीक रहेगा, एग्जाम का मैनेजमेंट है वहाँ पे उम्मीद करते हैं कि जिस सेंटर पे आप जाएंगे उनका मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा होगा। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आपको हम लोग मुबारकबाद देते हैं कि आपने बहुत अच्छी मेहनत की और इस मेहनत में आपने एक अच्छा एग्जाम दिया। कल भी जिन लोगों का एग्जाम है उम्मीद करते हैं उनका अच्छा एग्जाम होगा और उसके बाद आप टायर 3 की तैयारी है वो स्टार्ट कीजिए, ये कंटिन्यू प्रोसेस आपका चलता रहना चाहिए। अच्छी न्यूज़ हम आपसे उम्मीद करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन, ऑल द बेस्ट।